नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो उस कहानी का जो टाइटल है उसका नाम है वसीयत। और ये कहानी मीनाक्षी सिंह की कलम से लिखी गई है। हम इसे बोल के रूप दे रहे हैं, आइए देखते हैं क्या हुआ वसीयत में। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार बिमल जी बीमार हो गए। उन्हें लगा अब अंत समय आ गया है। सोचा मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे घर की जमीन जायदाद को लेकर झगड़ने ना लगें, जैसा कि हर बाप सोचता है, क्योंकि यह पैसा सगे भाइयों में भी दरार पैदा कर देता है। उनके जाने के बाद कहीं बच्चे, उन्होंने सालों में समाज में जो इज्जत कमाई है वो कहीं मिट्टी में ना मिला दें। ये सोच सोचकर बिमल जी का दिल बैठा जा रहा था। ये भी एक बड़ा कारण था कि उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त हुए 10 साल हो गए थे उन्हें। दोनों बेटे नौकरी में लगे हुए थे, अपने अपने बीवी बच्चों के साथ नौकरी वाली जगह पर रहे थे। कभी कभी तीज त्यौहार पर आ जाते थे एक दो दिन के लिए। एक बेटी थी, उसको भी अच्छे घर में ब्याह दिया था। पत्नी सुशीला और बिमल जी अकेले रहते थे। पत्नी बिमल जी के लिए चाय बनाकर लाई, उन्हें बैठाकर पिलाने ही वाली थी, तभी बिमल जी ने उनका हाथ पकड़कर चाय का कप मेज पर रखने का इशारा किया। क्या हुआ जी, आज चाय नहीं पीनी? नहीं नहीं, तू नितिन अनिल को फोन कर बुला दे, मुझे लगता नहीं कि और ज़्यादा समय बचा है मेरे पास। बिमल जी भावुक होते हुए बोले, ए जी ऐसी अशुभ बातें मत निकालिए मुंह से, अभी तो आप 100 साल जिएंगे, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। सुशीला जी बिमल जी के हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए बोले, तेरे कहने से मेरी उम्र थोड़े ना बढ़ जाएगी, तो सबको फोन कर बस। सुशीला जी ने भारी मन बेटों को फोन किया। दोनों ने यही कहा, माँ पापा को अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दो, अभी इतना काम है, अभी नहीं आ सकते। पापा तो वैसे भी छोटी छोटी बातों से जल्दी घबरा जाते हैं। पर जैसे ही सुशीला जी ने कहा, पापा को आज कुछ जरूरी बात भी करनी है तुम लोगों से, इतना सुनते ही दोनों बेटे प्रॉपर्टी की सोच, माँ से बोले, ठीक है माँ, पापा को दिखाना जरूरी है, कल छुट्टी लेकर आते हैं। अगले दिन दोनों बेटे बहू बच्चों सहित घर आ गए। पर यह क्या, बिमल जी तो अब इससे आगे का भाग हम आपको कल सुनाएंगे। यहाँ तक कहानी आपको कैसी लगी, या हमें कहानी में कितने सुधार करने हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।